जबलपुर में 8 हथियारबंद डकैतों ने ऑटो पार्ट्स व्यापारी सहित परिवार को बंधक बनाकर सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गए। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। डकैती की सूचना मिलते ही एसपी टीके विद्यार्थी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ओमती थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि डकैत सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गए। चाचा चाची को उन्होंने बांधा, खिड़की काट के अंदर आ गए थे। बांधने के बाद पूरा सामान घर का, ज्वेलरी ज़्यादा लेके चले गए हैं। कैश ज़्यादा नहीं थी लेकिन ज्वेलरी पूरी ले गए हैं। और थोड़ी बहुत चोट चाची को आई है लेकिन स्टिचेस लगे हैं 4-5 सिर पे। और चौथी घटना हुई, तीसरी घटना है नेपे टाउन में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस से कि और साहब लोगों से कि इसको पकड़ने में मदद की जाए। चोरी हुई है? कैश का तो नहीं है ज़्यादा लेकिन गोल्ड तो होता ही है थोड़ा बहुत। कितना नहीं आइडिया नहीं। कुछ लोग घुसे हैं ग्रिल उखाड़ कर और इनके घर से सोना लेकर चले गए हैं। और इस बारे में हम लोग आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से प्रयास कर रहे हैं पता करने का कि उनके ये घटना करने वालों के बारे में क्या सुराग मिलता है। और भी हर तरीके से जो पुलिस करती है, सारी टीम्स क्राइम की और थाने की, सभी लोग जो है इसमें पता करने में लगे हुए। सर कितने लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? अब ये चूँकि रात का समय था और बहुत उनको स्पष्ट नहीं है, पर फिर भी 4 से 8 के बीच में लोग हो सकते हैं। वो भी अब संख्या वही कोई सीसीटीवी फुटेज मिलेगा तो स्पष्ट होगा। हमारे यहाँ 14 मई 16 में डकैती हुई थी। सेम प्रोसेस यही था, जैसे अभी आज डकैती पड़ी है वैसे ही लोग थे, उसी समय वही सिस्टम वही प्रोसेस। आज तक उस डकैती का कोई खुलासा नहीं हुआ और मुश्किल लगता है कि अभी यही हो पाएगा। तो प्रशा लगभग कॉलोनी में कितनी डकैती? ये 4-4 डकैती है एक ही ट्रैक पर। पहली लिज्जत पापड़ वालों के यहाँ, दूसरी हमारे यहाँ, तीसरा रूपकला वालों के यहाँ, चौथी ये उपकार वालों के यहाँ।